हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी लवर्स प्राची में। आज मैंने बहुत टाइम बाद एक मेकअप किया है, तो ये मेरी दीदी का ही मेकअप है। तो मैंने प्राइमर का यूज़ कर लिया था। प्राइमर के रूप में मैं ऐसा पतंजलि प्राइमर ही मुझे पसंद है। अब मैंने ओलिवे का कंसीलर लगाया हुआ है, और इसके पहले मैंने एक कोल्ड क्रीम लगा दी थी। मेरी हम लोग की बहुत ड्राई स्किन होती है, इसलिए हम लोग कोल्ड क्रीम थोड़ा सा बाद में लगाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, कंसीलर के बाद तो मतलब आपका कोल्ड क्रीम के बाद अगर आप प्राइमर लगाते हो तो प्राइमर पूरा एक लेयर जैसी बना देते, जिससे ड्राई स्किन मेरी तो होने लगती है। तो इसलिए मेरी और इनके सबकी स्किन सेम है हम लोगों के यहाँ, तो इसलिए आप देखिए मैंने पूरे फेस में इनके कंसीलर लगाया। और आइज़ के लिए मैंने कलर सेंस का कंसीलर का यूज़ किया था, जिससे थोड़ा सा ग्लो आ जाए फेस में। अब मैंने ये हिलेरिया अरोड़ा का बनाना पाउडर है, इसको भी लगाया हुआ है इन ब्रश की हेल्प से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्लस अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने लिया है हिलेरी अरोड़ा का ही जेल आईलाइनर का काजल है, तो ये मैंने इस ब्रश की हेल्प से लगाया है और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक मैट में मिलता है ब्लैक कलर का, और एक मिलता है आपको ऐसा गील मतलब कि जेल में, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने स्पूली की हेल्प से इसके हाथ लाइंस को रफ कर दिया है और नेचुरल एकदम लुक दे दिया है। और मैंने फिर से इसी कंसीलर की हेल्प से इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की है। इसमें हो सकता है आपको कमी दिखे, क्योंकि मैं कोई परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे। मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया और मैं इनके आउटर वी पे और क्रीज लाइन पे थोड़ा सा लगाऊंगी, स्मोकी इफेक्ट थोड़ा सा देना चाहती हूँ मैं। ये हिलेरी अरोड़ा की पैलेट है, ये सेकेंड वाली पैलेट है। मेरा जो कोट था इसका कोट क्या है तो मुझे याद नहीं है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कौन सा कोड है इसका। अब मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लिया और क्रीज लाइन के ऊपर डिफाइन किया, ताकि थोड़ा सा इसको और ब्लैक कलर के आई शेडो को स्मच कराया है, जिससे कि ब्लेंडिंग इफेक्ट आ जाए और थोड़ा सा स्मोकी लगे। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा गोल्डन कलर लेके आई बॉल्स के ऊपर और इनर वी पे अप्लाई किया है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। और आउटर वी पे मैंने ब्लैक का ही यूज़ किया है। और ऊपर की तरफ भी मैंने गोल्डन का ही यूज़ किया है आई बॉल्स में। अब मैंने इसी जेल जो लाइनर है, इसी से मैंने लाइनर लगाया, जेल काजल से ही जेल लाइनर का यूज़ किया है। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया था, तो इसलिए मुझे वीडियो फास्ट करना पड़ा। और ये देखिए मैंने पास से भी दिखा दिया आपको, थोड़ा सा कैमरा इतना अच्छा शायद नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। अब मैं इसकी विंग को थोड़ा सी जो मोटी मुझे लग रही थी, मैं उसको और भी शार्प कर दूंगी। इस अगर आपका लाइनर बिगड़ भी जाता है तो आप इस कंसीलर के हेल्प से, जो थिक होते हैं कंसीलर, उससे आप अपने लाइनर को सेटल कर सकते हो, सही कर सकते हो। हमने इनके चिक्स में मैंने ब्रॉन्जर का यूज़ नहीं किया है। मैंने दो एक थोड़ा सा ब्राउन और एक रेड कलर लेके एज अ ब्रॉन्जिंग और ब्लसर दोनों एक साथ यूज़ किए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि चिक्स काफ़ी पतले हैं, अगर और भी मैं ज़्यादा करूँगी तो बहुत पतली फिर दिखेंगी। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी एंड में, अब मैं समझ रही हूँ कि मिस्टेक मेरी कहाँ थी। तो हाँ, गलतियाँ करके इंसान सीखता है, तो मैंने भी इससे एक चीज़ और सीख ली। मैंने इनकी नोज़ भी कंट्रोल कर दी है इसी पैलेट से। इस पैलेट में आपके सफिशियंट कलर मिल जाएंगे जो आपका पूरा मेकअप कर देंगे। अब मैंने इसमें हाइलाइटर भी लगा लिया है। अब मैंने इनके
लिप्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऊपर हाइलाइटिंग कर दी है, और अब लिपस्टिक का कलर भी मैं इसी से ही यूज़ कर रही हूँ इसमें। हाँ, ये कलर बहुत डार्क नहीं है, बस ग्लॉसी है, थोड़े से शाइनी कलर है, तो डार्कनेस तो नहीं है, तो इसलिए लाइट कलर ही आएंगे। यहाँ पे मैंने ये तो किया, लेकिन मुझे ये पूरे फेस में भी अच्छे से कर देना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन मैंने ये किया है तो थोड़ा सा इनका चिक अलग सा लग रहा था। हमने आईज में, इनके अंडर आईज में एक हिमालय का काजल लगाया हुआ है, और इसको इस ब्रश की हेल्प से स्मच कर दिया है। तो ये रहा इनका फाइनल लुक, तो आप बताइएगा कमेंट्स करके आपको इनका फाइनल लुक कैसा लगा और इनके आईज मेकअप कैसा लगा। ओके, बाय, थैंक यू।